दर्शन न्यूज़, बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खां रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के सिकरौर पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात लल्लू भगत जी, जो सिकरौर पंचायत के मुखिया हैं, और उनसे मैं जल नल की योजना के बारे में बात करेंगे, गली नली पर बात करेंगे, अमृत सरोवर पर बात करेंगे, और जिस समाज से आते हैं उसमें कुछ सुरक्षित होता है, जो इंदिरा आवास है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे आप हमारे पंचायत में बाबा दर्शन की न्यूज के लिए आए हैं, उसका हमें कोटि कोटि नमन धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ यह कहना है कि जल नल की जो कार्य चल रहा है, या हमारे पीछे जो जल नल का कार्य जो हुआ है, उसमें यहाँ जल नल का कार्य जो है पंचायत स्तर पर दो विभागों से चल रहा है। एक चल रहा है पंचायत से, पंचायत की राशि से खड़ा किया जाता है, और उसी जल नल को फिर जो है पीएचडी खुद अपने आप से करा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि मुखिया तो हम लोग बने हैं, लेकिन दुख के साथ कहना है कि पंचायती राज का सरकार द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है, पंचायत में मुखिया को बनाकर उसे बदनाम किया जा रहा है। मुखिया किस काम को कि चलते चलते एक चापाकल के नोट भी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी खबर करना पड़ेगा पीएचडी को। पीएचडी खबर करेगा आपको वेंडर को, वेंडर कहेगा कि विभाग में पैसा नहीं है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम नल जल में कहाँ से हम नट कर सकते हैं। लोगों ने त्रास है पानी के बिना, मुखिया उसे तड़प रहे हैं कि कैसे कराया जाए। दूसर की बात यह है कि जहाँ तक गली नली की सवाल है, सरकार की राशि अवधि भी जो है उसमें टाइट अनटाइट दो तरह का कर दिया है। एक टाइट से योजना करना है, एक अनटाइट से कराना है। अनटाइट का कुछ और व्यू है, टाइट का कुछ व्यू और है। उससे हम लोगों ने कुछ टाइट में है कि मान लेते नहीं, कहीं गली नली कराना है, कहीं सामुदायिक भवन बनाना है, कहीं स्वदाह गिरी बनाना है, कहीं आश्मशान बनाना है, इस तरह का सब पॉलिसी चल रही है। जहाँ तक अमृत सरोवर की बात चल रही है, अमृत सरोवर में स्वच्छता अभियान है, सरकार की बहुत बड़े बड़े सब प्लानिंग है, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब पंचायत तक आएगा तभी ना हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें बहुत बड़ी खेद है कि सरकार तो सोच रही है कि हम पंचायत को विकास करेंगे, हम समन्वय सब लोगों को विकास करेंगे। अब जहाँ तक इंदिरा आवास की बात रह गया, पीछे इंदिरा आवास जो चयन किया गया है उसमें सचमुच में पूछा जाए तो जिनको चाहिए इंदिरा आवास उसको वहाँ तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं पहुँच पाया। इंदिरा आवास के लोगों ने कुछ बिचौलियों के रख के जो पैसा दिया और उसका जो है नाम सूची में आया, और जो लोग सूची से बाहर रह गए जिनको निहायत ज़रूरी है, जैसे मेरे यहाँ देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास बनाया जा सकता है लेकिन उनका सूची में नाम ही नहीं है। जो सूची में नाम भी है कुछ लोगों को, वह आज तक अभी पेमेंट नहीं हुआ। तो मुखिया एक मुख दर्शन के रूप में है, हमारे जहाँ तक समझ में है मुखिया से कोई अभी लेनी देनी नहीं है। मुखिया से पहले था कि हम लोगों ने ग्राम सभा करके इंदिरा आवास को चयन करते थे। आज वो कहीं कुछ नहीं है, उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त किया है, वो दलाल से भेंट करता है और दलाल इनका उनका फोटो झूठा साचा खींच के 1,500 रुपया लेकर उनका नाम सूची में लाता है। यानी कि जो जो ग्राम सेवक हो गया या सहायक, इंदिरा जो सहायक है, इंदिरा सहायक हम, इंदिरा सहायक जो है वही दलाल जो है सेट कर देता है, दलाल सेट करके वो अपना काम कर रहा है। अभी मुखिया जो है, मुखिया एक वृद्धा पेंशन का भी अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, एक राशन कार्ड तक नहीं बना सकते हैं, किस काम के लिए मुखिया। ये सरकार जो है पंचायती राज अधिनियम के दर्ज दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पंचायती राज का फॉलो हो रहा है। ऐसी शिकायत बहुत से पंचायत से हमें आई है, जैसे धर्मपुरा है पंचायत,
और अरंग पंचायत है और ऐसे बहुत सारे पंचायत है जहाँ से हमको शिकायत आ रही है कि जो इंदिरा सहायक है वो बिचौलिया को भेज देता है और उससे वो ट्रांजेक्शन करा के पैसा और इंदिरा आवास। अब सच है, वो बोलता है कि हमको मुखिया को देना है, वीडियो को देना है, उनको देना है, तुम लाख ही करो। लेकिन सचमुच में मुझे सरकार को चाहिए, हम मीडिया दर्शन से चाहेंगे कि यह जो है ऊपर तक इसको भेजा जाए कि नहीं। मुखिया लोगों का कहना है कि पंचायती राज का अधिनियम का जो है यह जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, न कि सचमुच में इसको पंचायती राज हम कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे। तो इसका तो मतलब लल्लू भगत जी ये समझा जाए कि गरीबों का ही दोहन हो रहा है। एकदम बिल्कुल दोहन हो रहा है। जिन गरीबों की इंदिरा आवास चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिस गरीब को चाहिए कि हमें राशन कार्ड चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। आज यहाँ बहुत से बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है कहीं से ना कहीं अपन राशन कार्ड करा के वो जो है उठाते हैं वही बेच देते हैं, जबकि उनके यहाँ 10-20 बीघा जमीन है, उनके लिए राशन कार्ड की राशन उठाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो गरीब है, जो गरीब को सचमुच राशन चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसमें मुखिया कुछ नहीं कर सकते हैं। मुखिया वे भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं उसका राशन कार्ड मिल रहा है नहीं, अब उसके लिए अलग पदाधिकारी है, सोचेगा होगा होगा नहीं होगा, तो यही सब बात चल रहा है। और जल जीवन हरियाली के बारे में, जल जीवन हरियाली में जो है कि जल जीवन हरियाली में चल रहा है काम, जल जीवन के हरियाली के लिए बहुत सी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार के पास विभाग के पास पैसा नहीं है कि जो काम पूरा नहीं हो रहा है। जहां जल जीवन हरियाली में जहां गड्ढा है वहीं गड्ढा खोदा जा रहा है, सचमुच में जहां काम करना है वो उस तहत तक नहीं जा पा रहा है। और कोई कुएं का जीर्णोद्धार किया? जी, कुएं के जीर्णोद्धार अभी सरकार पॉलिसी ली है कि जो बीच में गाँव के बीच में जो कुएं हुए हैं उसमें भी हम लोगों ने अपने टारगेट में लिया है, बुकलेट में छपवाए हैं, जैसे ही सरकार की पैसा आता है तो हम लोगों ने कुछ चिन्हित किए हुए हैं अपने पंचायत सिकरौर पंचायत में, हमने कुछ चिन्हित किया है कि यदि सरकार की अनटाइड की पैसा आती है तो हम उसे कुएं के जीर्णोद्धार करेंगे। आप अपने पंचायत के मतदाताओं से भी कुछ कहेंगे? पंचायत की मतदाता से हम क्या कहना है, पंचायत की मतदाता से तो हम यही कहेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़िए, आगे चलिए, आपके पीछे जो है हम हमेशा सदैव चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लल्लू भगत जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।